सो आज जो है हम लोग वॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपका जैसे चार आइटम है, इनके बीच में वॉइड है और उसकी हमने तीन कंडीशंस आपको दिखाई। इसमें चारों आइटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वॉइड आइटम भी इसको टच कर रहा है। नॉर्मली हम इसी तरीके की चीजों के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर इसको हमने कैटायन मान लिया, रेडियस को इसकी, और इसकी रेडियस को एनायन मान लिया। तो यहां पर आर कैटायन आर एनायन आपकी आइटम, ठीक है, ये आपकी आर पॉजिटिव आर नेगेटिव ग्रेटर देन आइडियल सी कंडीशन। यहां पर आर पॉजिटिव आर नेगेटिव लेस देन आइडियल कंडीशन। तो ये क्रिस्टल आपका एग्जिस्ट करेगा, ये क्रिस्टल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये अपनी आर पॉजिटिव आर नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग नई ज्योमेट्री एक्वायर कर ले। तो आपको जो है मोस्टली इसी तरीके की चीजों के लिए कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इसमें तो कितना गैप होगा ये सोच पाना थोड़ा सा क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो यहां पर हम आर पॉजिटिव आर नेगेटिव आइडियल की कंडीशंस को ही डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियस रेशियो इन दी आपके ट्राइगोनल वॉइड एंड आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक, ठीक है। इन सब स्ट्रक्चर्स में हम लोग जो है इन वॉइड्स को डिस्कस करेंगे और रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो के आ जाने से आपका जो है आपको मतलब क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके की कोऑर्डिनेशन होगी, नंबर होगी और आपका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ट्राइगुलर वॉइड में आपके तीन एटम्स होते हैं, ठीक है, वो तीनों एक ट्राइंगल बनाते हैं आपका एक प्लेन में, और उनके बीच में जो वॉइड होती है उसमें कैटायन आता है, ये तीनों आपके एनायंस, ठीक है। तो आपका जो है ये ट्राइंगल बन जाता है जिसमें ये सारे एंगल 60 डिग्री के, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है, मीडियन भी हो जाती है, और ये एंगल 30 है, ठीक है। तो इसको मान लेते हम ए बी, इसके सेंटर पॉइंट मान लिया हमने सी, ठीक है ना, ये हमारे पास तीन पॉइंट है। तो ए बी कितना है आपका आर नेगेटिव, और एसी कितना है आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, और आपका जो है ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू कॉस 30 है, दैट इज इक्वल टू आर नेगेटिव ओवर आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव, ठीक है। कॉस 30 आपका कितना होता है रूट 3/2 इज इक्वल टू आर नेगेटिव ओवर आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। तो इसका उल्टा कर दें तो आपका ये बन जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव ओवर आर नेगेटिव। इसको आप चेंज कर दीजिए, इधर ले आइए, और ये जाएगा आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव और जो है प्लस 1 इज इक्वल टू 2√3, 1 को उधर ले जाइए, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इज इक्वल टू 2√3 माइनस 1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0.55 आ जाएगा। यहां पर जो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव की वैल्यू 0.55 होती है, तो आपकी ट्राइगोनल वॉइड रहती है। तो अब जो है हम लोग रेडियस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, किसमें आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मतलब सीसीपी पैटर्न में ये परफेक्टली नहीं होती है, ठीक है, जैसा हमने यहां पर दिखाया, और ये इस तरीके के अरेंजमेंट होता है सीसीपी पैटर्न में, और ऐसी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जिसमें स्मॉल क्यूब होती है और 4 जो है उनको हम ज्वाइन करें तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, ठीक है। आपकी जो चारों बॉल्स होती हैं वो इस तरीके से सिचुएटेड होती हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। तो आपका ये जो वैल्यू है
ये क्या होती है रूट टू ए, ठीक है, तो ये आप रूट टू ए इजिकल्स टू टू आर नेगेटिव रख लेते हैं, और ये वैल्यू जो है बॉडी डायगोनल होता है इसको रूट थ्री ए इजिकल्स टू आपका टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ठीक है। ये आपको चीज बिल्कुल ध्यान से समझनी है कि ऐसा क्यों कर दिया, जबकि आपको यहां तो कहोगे कि आइटम है ही, उसका रीजन ये देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है और इसका परफेक्टली एलिमेंट इस कैलकुलेशन के इक्वल ही बैठेगा, ठीक है, ये हमारे को मान के चलना पड़ेगा टेट्राहेड्रल में। तो अब जो है नॉन इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो रूट थ्री अपॉन रूट टू इजिकल्स टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव ओवर आर नेगेटिव, या आपका आ जाएगा आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इजिकल्स टू रूट थ्री ओवर रूट टू माइनस वन, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.225। तो इसमें
तो ये आपको सीसीबी पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड शो हमने करी, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि आपके ये इस तरीके की ज्योमेट्री होती है जिसमें आपके एटम्स बनते हैं। तीन हमने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिखाए। तो जो सीसीपी पैकिंग है उसमें जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो आपकी जो है ये आपकी टोटल कितनी होती है, चार एक में, जिसमें से 12 तो ये है जो आपके 12 क्रॉस बना रखे हुए, ठीक है, और एक ये फुल। तो 12 का आपका आप 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये एज जो वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड है चार क्यूब्स में रहती है और ये पूरी की पूरी इसी के अंदर। तो सीसीपी पैकिंग में आपकी चार ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसका स्ट्रक्चर आप ये यहां पे देख ही रहे हैं। तो इसमें ये जो ए बी है इज इक्वल्स टू क्या है, ए मान लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2R नेगेटिव और BD इज इक्वल टू रूट 2A इज इक्वल टू 2 इंटू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। तो आपने दोनों को डिवाइड कर दे तो आर पॉजिटिव प्लस आपका आर नेगेटिव ओवर आर नेगेटिव इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, रूट 2। तो आपका आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। तो आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 जो आपका 0.144 आ जाएगा।
तो अब हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेशन करेंगे इन क्यूबिक वर्ड. जैसे आपका ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, सीजियम आयन इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं और क्लोराइड आयन आपके कॉर्नर्स पर सिचुएटेड, ठीक है. तो एक बॉडी सेंटर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो मिलाकर दोनों. तो इसमें आपको जो है रेडियस रेशियो कैलकुलेट करनी है. तो इसमें आपका जो ये दोनों नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो इनके आर टू आर नेगेटिव जो है ये मान लो ए है, ठीक है, तो ये आपका जो है 2R नेगेटिव इज टू रूट टू ए हो जाता है. और ठीक है, और आपका R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का ट्वाइस इज टू आपका सॉरी ये आपका जो है रूट थ्री हो जाता है, ठीक है, ये आपका A हो जाता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सच में होते हैं आपके. तो आपका जो है इनकी रेशियो R पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव ओवर आर नेगेटिव इक्वल्स टू रूट थ्री हो जाएगा. तो आपका जो है आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव तो अब हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेशन करेंगे इन क्यूबिक वर्ड. जैसे आपका ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, सीजियम आयन इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं और क्लोराइड आयन आपके कॉर्नर्स पर सिचुएटेड, ठीक है. तो एक बॉडी सेंटर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो मिलाकर दोनों. तो इसमें आपको जो है रेडियस रेशियो कैलकुलेट करनी है. तो इसमें आपका जो ये दोनों नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो इनके आर टू आर नेगेटिव जो है ये मान लो ए है, ठीक है, तो ये आपका जो है टू आर नेगेटिव इज टू रूट टू ए हो जाता है. और ठीक है, और आपका R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का ट्वाइस इज इक्वल टू आपका सॉरी ये आपका जो है रूट थ्री हो जाता है, ठीक है, ये आपका A हो जाता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सच में होते हैं आपके. तो आपका जो है इनकी रेशियो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव ओवर R नेगेटिव इज इक्वल टू रूट थ्री हो जाएगा. तो आपका जो है R पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन. तो ये जो हमने रेडियस रेशियो निकाली, इसमें 0 से लेकर 0.155 हो तो आपकी शेप लीनियर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है, और 0.155 से 0.225 हो तो शेप ट्राइंगुलर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 से 0.414 होती है तो शेप टेट्राहेड्रल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और 0.414 पर आपकी जो है
से लेके 0.732 ऑक्टाहेड्रल रहती है शेप और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 0.732 से 1 के बीच में क्यूबिक होती है और 1 या 1 से ग्रेटर में आपकी एचसीपी पैकिंग रहती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहती है। ठीक है, तो जो है ये आपको रेडियस रेशियो की वैल्यूज की जो भी रेंज आए उसके बेसिस पर आप शेप्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि कंपाउंड एल पी क्यू एक्स है, सीसीपी पैकिंग एलिमेंट, इट्स यूनिट चैनल स्ट्रक्चर गिवन बिलो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो आपका जो है एक्स सीसीपी पैकिंग पे है, ठीक है ना, सीसीपी पैकिंग में एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी यार्ड कॉर्नर पे है प्लस 6 फेसेस पे है यानी कि 4, ठीक है, और एम एक ये पूरा का पूरा है प्लस ये 4 आपके 1/4 है, 1 + 4 × 1/4 = 2, तो m2x4 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा mx2। तो आपका जो आंसर है वो mx2 है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था कि द अरेंजमेंट ऑफ एक्स नेगेटिव अराउंड ए नेगेटिव आयन इन सॉलिड एक्स इज गिवन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ एक्स नेगेटिव 250 पिकोमीटर द रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव। तो आपका ए पॉजिटिव इस फिगर को देख के लग रहा है कि आपका जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आपका आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव 0.1414 होता है, तो आर पॉजिटिव निकालना है, ये आपको 250 पिकोमीटर दे रखा है, तो आपका आर पॉजिटिव कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 104 पिकोमीटर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो